I, Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, welcomes you all. अब की बार 140 के पार। यही हमारा मोटो था, यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा संकल्प था, यही हमारा शुद्ध वाक्य था, जिसको लेकर चंद महीने पहले हम लोग एक 67th बीपीएससी पीटी का एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार किए थे। हालांकि इस मॉड्यूल की अवधारणा, इस मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हमको 66 बीपीएससी से लग रहा था कि यदि इस पर्टिकुलर वे में हम लोग पढ़ाई करें तो डेफिनेट सफलता मिलेगा। और 67 बीपीएससी पीटी का एग्जाम जो 30 सितंबर को हुआ, फलस्वरूप मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा जो रणनीति था, जो मेरा जो स्ट्रेटजी था, जो अपने बच्चों के साथ बैठकर हम लोग बनाए, वो सफल हुआ। 150 क्वेश्चन में, बीपीएससी पीटी के 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। हमारी चुनौती 140 के लिए था और इसीलिए हम लोग बार बार इस संकल्प को दोहराते थे, अब की बार 140 के पार। एक छोटा सा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और पहला सिद्धांत हमारे स्पेशल मॉड्यूल का था सेल्फ स्टडी, क्योंकि 4 घंटे के क्लासेस के बाद पहला कमिटमेंट स्टूडेंट्स का यही होना था कि जो भी आज पढ़े हैं उसको फुल्ली 100% रिवाइज करें ताकि वो याद रह सके। क्लास में हम लोग 4 से 5 घंटे का मॉड्यूल हुआ करता था, 2 घंटे में हम लोग क्लास लेक्चर मेथड में चलते थे और जिस टॉपिक पे पढ़ाई हुआ बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे और जिस टॉपिक पे पढ़ाई होता था उसको अगले 2 घंटे में हम लोग एमसीक्यू बनाते थे। जितना भी कोई टॉपिक हो, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उस पे जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बनता हो, अभी आगे हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर हम लोग फ्रेम करते थे। और इसका ये नतीजा ये हुआ कि 140 में से 105 क्वेश्चन में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली डायरेक्टली हमारा ये होमवर्क, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हमारे सारे बच्चों के पास उपलब्ध है, मेरा उद्देश्य आप लोग के सामने आने का एकमात्र जो कारण है वो है कि आप भीड़ के पात्र ना बने। करीब 105 क्वेश्चन हम लोग लेंगे 140 में से, सेट डी हम लोग डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन के दौरान आपके स्क्रीन पे वो सब मटेरियल आएगा, वो सब टेस्ट सीरीज आएगा जो हमारे बच्चे पर डे बनाते थे। टोटल टेस्ट सीरीज हमारा 105 के करीब हुआ था, यदि मान के चलिए तो अराउंड 20,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन। और हमारा उद्देश्य सफल हुआ। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि माई स्टूडेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, हमारे बच्चे भीड़ के सदस्य नहीं होने चाहिए। और सबसे पहला काम उनका यह था
कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें। एक फाउंडेशन मॉड्यूल होता है जो 1.5 से 2 साल तक चलता है, 18 से 24 महीने का वो कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स। उसको हम लोग स्क्वीज करके 3 से 4 महीने में लेके आए, क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाए, और यदि 2 घंटे क्लास है तो 2 घंटे का टेस्ट चला। फिर बच्चे घर जाते थे, उसको पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। सो 8 से 10 घंटा मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी था। हम लोग अच्छे अच्छे किताब पढ़े, क्योंकि वन लाइनर कितना क्वेश्चन आया, 4 से 5, 6, क्या मदद करता आपको? गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट व्यूज, गवर्नमेंट डाटा, और डिस्कशन के दौरान समय समय पे आपको बताते रहेंगे कि हर एक क्लास में जो क्वेश्चन, हम लोग करीब 105 क्वेश्चन करेंगे जिसका हमारे पास प्रूफ है, रिटन मटेरियल है, कि हाँ भाई ये फलना दिन इन बच्चों को ऑनलाइन ये गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग 24/7 जुड़े रहते थे, और हम लोग आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि गाइड तो एकदम मत पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को थिंकिंग माइंड होना है, थिंकिंग माइंड, स्टूडेंट शुड बी अ थिंकिंग माइंड। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक गाइड और वन लाइनर से पढ़ेंगे आप सोचिए, एडीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एक जिला को चलाएंगे, देश को चलाएंगे, गाइड से पढ़ के, वन लाइनर पढ़ के, ये कहीं पॉसिबल है? और एक और चीज, एनसीईआरटी बुक्स, नो डाउट दे आर गुड, बट ओनली स्टडिंग एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। इस बार के पीटी क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आया, एक भी। यदि कोई लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम था, या तो वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं या क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, अंदाज में ये बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग अपना क्वेश्चन का डिस्कशन चालू करते हैं। याद रखिएगा, हम वही आपके सामने पेपर्स दिखाएंगे, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज दिखाएंगे, जो कि हमारे पास बच्चों को ऑनलाइन के मेथड से उनके व्हाट्सएप पे सेम डे मिल चुका है। हवा में बात इस डिस्कशन में नहीं होगा, और एक जल्दी से आपको जो जो क्वेश्चन का बैकिंग, या जी जो क्वेश्चन बनाने में हम लोग को मदद मिला अपने मॉड्यूल से, उस पर हम लोग चर्चा करें। चलिए अब हम लोग 67th बीपीएससी पीटी का सेट डी डिस्कस करते हैं। सेट डी क्वेश्चन 1, हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विथ रोमन एम्पायर, चेर, वेशन साकास, वाका ताकास, कुशांस। इसको हिंदी में पढ़िए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? पश्चिम शक, वाकाटाक, कुशान, चेर। देखिए, सतीश चंद्र का ये किताब मेडिवल इंडिया, ऑथेंटिक बुक, Why to compromise on something that is qualitatively not good? जब हम लोग को पढ़ना है तो सही से पढ़ें। एक थिंकिंग माइंड का उदाहरण दे रहे हैं, आंसर बता ही देंगे। ये देखिए, इस किताब में एक शब्द दिया हुआ है, द वर्ड लिम्ब्रिक कॉरेस्पॉन्ड्स टू मालाबार कोस्ट। मालाबार, लिम्ब्रिक शब्द मालाबार तट को इंगित करता है, और यहाँ पे चेर का आधिपत्य है, चेर रूलर्स वे रूलिंग देयर। एक और देखिए,
मलाबार में अरब व्यापारियों के बसने के प्रमाण मिले। और इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम मीन्स पार्ट ऑफ इस्लामिक लैंड, इस्लाम भूमि का भाग। वॉज रजिया, इल्तुतमिस, नासिरुद्दीन, बलबन। हिंदी में देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन से मुस्लिम शासक थे? इल्तुतमिस, नासिरुद्दीन, बलबन, रजिया। इसका आंसर देखते हैं। एक फाइल था हमारा, एक 67 बीपीएससी पीटी स्लेव डायनेस्टी, सबका हिंदी वर्जन भी है। समय को अहमियत देते हुए जरूर पढ़ने पे या जगह जगह मिक्स ऑफ इंग्लिश और हिंदी आपको दिया करेंगे, दिखाया करेंगे। तो ये 67 बीपीएससी पीटी का स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप यदि पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टर फ्रॉम द खालीफ। खालीफ से ही आपको परमिशन मिलेगा, तभी आप दारुल इस्लाम के पार्ट हो सकते हैं। वॉज इल्तुतमिस, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है इल्तुतमिस। एक्सप्लेनेशन में है कि इल्तुतमिस वॉज द फर्स्ट सुल्तान, इल्तुतमिस पहले सुल्तान थे, हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा। मीन्स इल्तुतमिस पहले सुल्तान थे जिनको की एक परमिशन मिला खलीफों से कि आप चाहिए शासन कर सकते हैं। द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय द टर्क्स वॉज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज। एक तरफ इस्लाम के राजनीतिक सिद्धांत पे इल्तुतमिस का सल्तनत था, और दूसरा कि उससे पहले वहां पे राजपूत प्रणाली, मैंने गवर्नेंस का राजपूत सिस्टम था, या कहिए जो राजनीतिक संस्था चलाने का जो प्रणाली था वहां पे राजपूतों का था। तो राजपूतों का प्रणाली और इस्लाम के सिद्धांत का मिक्सचर के रूप में इल्तुतमिस का राजकीय शासन आया। यह है क्वेश्चन नंबर 2। उसी स्लेव डायनेस्टी से, गुलाम वंश से हमारा एक और क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफास। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पॉलिसी ऑफ द खलीफा। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिस। इसके बारे में भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बलबन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4। तुगरील खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। तुगरील खान से विद्रोह किसके शासन में किए? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खान या बलबन। अब देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जो टेस्ट सीरीज का कोई भी टॉपिक ले, तो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसको बनाया जाए। अब आप देखिएगा कि बिहार में तुगरील खान का या तुगरील खान के बारे में जानने का हमारे पास स्रोत है, और क्वेश्चन नंबर 44 से लेके 50 तुगरील खान पे ही है। हमारे टेस्ट सीरीज का ये पार्ट है, ये टेस्ट सीरीज 5 है, और टेस्ट सीरीज 5 का ये मेडिवल बिहार हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में किए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इंडिकेट दैट अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल बिहार वॉज रेस्टेड अवे फ्रॉम दिल्ली कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इंगित करता है कि पूर्वी और मध्य बिहार का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के नियंत्रण से छीन लिया गया। देखो, बिहार पे फिर से नियंत्रण करने का जो प्रयास हुआ था इल्तुतमिस के समय में हुआ था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो है बिहार फिर से स्वतंत्र होना चालू हो गया। यह मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। मुगीत अध दिन तुगराल कौन थे? वो तुगलक तुगद खान के नाम से लोकप्रिय थे। वो दिल्ली के मामलुक सल्तनत में एक अधिकारी थे।
उन्होंने 1236 से 46 ईस्वी के दौरान बंगाल पे शासन किया। उन्होंने 1272 से 1281 ईस्वी के दौरान बंगाल पे शासन किया। तुगलक खान को किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीदा। और विद्रोह कब किए? उनके मृत्यु के बाद। तुगलक खान ने बंगाल पे आक्रमण क्यों किया? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, सैफुद्दीन ऐबक की हत्या के बाद, अबार खान ऐबक का विद्रोह के बाद, या सभी विकल्प। तो तुगरील खान के हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए कि जिस तरह से भी क्वेश्चन घूम के आए आप उसको करने में सक्षम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज बैंड्स ऑफ थग्स। ठीक है, अब देखिए इसी पे हमारा एक टेस्ट है, रिफॉर्म्स पे, 18th सेंचुरी रिवोल्ट्स एंड रिफॉर्म्स। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज प्राइमरीली? एबॉलिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी प्रोहिबिशन। ये 4 ऑप्शन है। नीचे एक्सप्लेनेशन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या क्या समाज में सुधार किए। देख रहे हैं क्वेश्चन, एकदम जिस तरह से क्वेश्चन आया उसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन किए। कहने का मतलब है कि हमारा प्रिपरेशन सही दिशा में है। यदि कोई टॉपिक विशेष करते हैं तो टॉपिक विशेष पे संपूर्ण उस पे हम लोग पढ़ाई करें, संपूर्ण क्वेश्चन बनाए जितना ये पॉसिबल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, जनरल सामान, भीड़ के पाथ यदि हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो गाइड पढ़ेंगे और सही दिशा में ढंग का किताब पढ़ेंगे, उसमें सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, तो कोई भी परीक्षा हो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे देखिए किस तरह से गवर्नमेंट रिपोर्ट से हम लोग डायरेक्ट ला डायरेक्ट जो है हमारा क्वेश्चन बनाने में मदद मिला है, और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही मदद मिला है। क्योंकि ये मत सोचिए कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपका जिंदगी होगा। आप जो पढ़े हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं, उसको अप्लाई करना है, उसको व्यवहारिक रूप में लाना है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके व्यवहारिका पे, उसके प्रैक्टिकल नेचर पे भी क्वेश्चंस है। आगे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में ही है, हम लोग उसको देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किस वर्ष में भारत की पहली जनगणना हुई? यही है आपका क्वेश्चन। देखिए ये है टेस्ट 13, हेडिंग में दिख रहा होगा टेस्ट 13, बीपीएससी पीटी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? 1872 है ऑप्शन। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872। देखिए ये है पढ़ने का तरीका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेर हैंग? मीन्स किस तारीख को, किस दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई? ये क्वेश्चन, इसका बहुत सारे टेस्ट सीरीज में हम लोग का इसका रेफरेंस है। जो सामने आता है उसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84। देखिए आपको लग रहा हो खाली इंग्लिश का दे रहे हैं, हिंदी का भी हम लोग, चलिए अगला 2-3 हम लोग हिंदी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, KSIS Academy, 67 BPSC PT, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वर एक्सिक्यूटेड बाय द ब्रिटिश? कौन से आंदोलनकारी को ब्रिटिश सरकार फांसी दे दी, उस पर क्वेश्चन। देखिए आपको आंसर मिल गया।
देखिए, हम लोग को थिंकिंग माइंड होना है। आप अधिकारी बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर गाइड पढ़ने से क्या मिलेगा? न आपका बेस बनेगा और न ही अपने आप को मेंस में तैयार कर पाएंगे, जब तक कि इम्प्लाइड माइंड ना हो। पढ़ना तो है, 8 से 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन सही मार्गदर्शक में, सही किताबें के संग, सही माहौल में पढ़िए, तब आपका पढ़ाई जो है एक निश्चित रिजल्ट की तरफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस तरह से हम लोग हल निकालते हैं। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1940, 1940 में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे, आदेश दिए थे शुरू करने के लिए, क्योंकि हिंसा घटना, लोग उतना ट्रेन नहीं हुए थे कि एक मास सत्याग्रह, जन सत्याग्रह कर सके, तो इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई थी। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त और विनोबा भावे। अब देखिए इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे। हिंदी में देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अगस्त, विनोबा भावे पौनार गांव में वर्धा के पास व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए 17 अगस्त को, 21 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए, पहला हो गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, लेकिन 31 अक्टूबर को चियोकी में गिरफ्तार किए कर लिए गए। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह को नियंत्रण कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए वो व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपका ब्रह्मदत्त ऑप्शन बच जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग को इम्प्लाइड जो है तरीके से आंसर को निकालना है, जो हम लोग पढ़ें दिमाग को इस्तेमाल करना है और बहुत क्लियर कट जो है हम लोग को आंसर हम लोग का सही सटीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, हु वॉज अ फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार। मगध के जो शासक थे बिंबिसार, उनके राज वैद्य कौन थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए टेस्ट 19 मगध सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 111। चलिए मगध सेक्शन निकालते हैं हम लोग। मगध सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 111, टोटल 111 क्वेश्चन है मगध पे, मगध के जनपद पे। मौर्य हम लोग एक अलग टॉपिक के रूप में देखे थे, है ना, ये टेस्ट 19 हम लोग को आगे भी काम आएगा करंट अफेयर्स में। ये देखिए यहां से मगध चालू होता है और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, 19 पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए निम्नलिखित को मिलाए बिंबिसार के सलाहकार, सोना कोलीबिसा, सुमन कोलिया, कुमघोषक जीवक, जीवक मिल गया, और ये थे आपके चिकित्सक, जीवक थे चिकित्सक, एक तरीके से ये हम लोग को मिल गया। हम लोग और भी बिंबिसार के सलाहकार को देख लिए, इसके अलावा आगे देखिए, देखिए नॉलेज हमारा एनहांस हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे और हम लोग को क्लियर हो जाएगा, एक तो क्लियर हो ही गया। और क्वेश्चन, उज्जैन में पीलिया से ग्रसित अवंती राजा प्रद्योत को ठीक करने के लिए मगध के शाही चिकित्सक जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार। आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार। तो इम बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान मुहानी, मालिक हुसमुद्दीन। अब हम लोग को आंसर इसका देखना है, चलिए आंसर देखते हैं। यह है आपका टेस्ट 36, बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज टेस्ट 36, बिहार मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 से 26, सेक्शन ई। चलिए अब हम लोग को सेक्शन ई चलना है, नहीं सबसे लास्ट सेक्शन चलना है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि नहीं, है ना। तो लास्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं, सेक्शन ई, बिहार मिसलेनियस, मेडिवल बिहार हिस्ट्री, मेडिवल बिहार
हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर हम लोगों 22, 23, 24, 22, 24 ये सेक्शन डी है, सेक्शन डी है, सेक्शन ई हम लोग को, सेक्शन ई में हम लोग को चलना है, सेक्शन ई बिहार मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 22 ऑनवर्ड से हम लोग को आंसर अपना मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज ये टेस्ट था, हम लोग टॉपिक वाइज करते है ना। चलिए, पहली बार बिहार को दिल्ली शासन के अधीन लाने वाले कौन था, ये हम लोग का आंसर है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, दरियाकांत नूहानी। दरियाकांत नूहानी बिहार में कौन सा दायित्व निभाए थे, गवर्नर का। बिहार में नूहानी वंश के संस्थापक कौन थे, दरियाकांत नूहानी, और यही तुर्क जो है आपका रूल बिहार में स्टैब्लिश किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे, इसका आंसर ढूंढे अपना टेस्ट सीरीज में। ये देखिए, ये है टेस्ट सीरीज 18, टेस्ट सीरीज 18, सेक्शन ई, जामिया मिलिया एंड लॉर्ड सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक, सेक्शन ई। हम लोग को सेक्शन ई यानी चलना है सबसे नीचे, हम लोग को सबसे नीचे चलना है सेक्शन ई में, है ना, जहां जामिया मिलिया खत्म होता है। अब देखिए मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, लॉर्ड सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा कौन थे, उन्हें प्रथम बैरन सिन्हा के रूप में भी जाना जाता था, उन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के नाम से जाना जाता था, उन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम से जाना जाता था, उन्हें स्वतंत्र प्रसन्नो सिन्हा के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड सिन्हा के लिए सही है, वो एक प्रमुख भारतीय वकील और राजनेता थे, वो बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे, हमारा आंसर मिल गया। देखिए वो बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे, सभी विकल्प इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक ही टेस्ट सीरीज से आया। हु वे द लीडर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट, सिद्धू एंड कान्हू, इन विच ईयर द चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस, ये दोनों क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं टेस्ट से। ये है टेस्ट 59, ये देखिए टेस्ट 59 है, संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, जनसंख्या के मामले में झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत का भी है, ये संथाल इसका आंसर है, क्योंकि हम लोग संथाल पे ही ये देख रहे हैं, संथाल विद्रोह पे ही क्वेश्चन है सर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता था। हम भारत में संथाल जनजाति कहाँ पाते हैं, असम और त्रिपुरा में पाते हैं, बिहार में पाते हैं, झारखंड में पाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाते हैं, उड़ीसा में पाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाते हैं, और नेपाल में भी पाते हैं, है ना, हम लोग नेपाल में संथाल जनजाति को पाते हैं, भूटान में पाते हैं, बांग्लादेश में पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आगे क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लिए हैं, इस टेस्ट में फिर से हम आएंगे, ठीक है। फिर अब देखिए हम लोग को अपना ये क्वेश्चन देखना है कि इसके नेता कौन थे, इसका नेतृत्व कौन किए थे, आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिंधु और कान्हू मुर्मू, ऑप्शन सी दोनों आपको मिल गया आंसर। अब चलते हैं चौरी, चौरा विद्रोह, इसमें भी आपका सबसे ऊपर में ही टेस्ट का शुरुआत ही इस विद्रोह से होता है ना। ये देखिए ये है आपका चौरा विद्रोह, इस पे हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वॉज ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, बिहार को, ओडिशा को बिहार से पृथक कब कर दिया गया, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। ये है टेस्ट 5, जिसमें हम लोग बिहार फेस्टिवल, है ना, बिहार के जो भी त्योहार है उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन सब है, हर एक तरह का त्योहार, हर तरह का मेला, ये सब हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, पार्टीशन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा टुक प्लेस, मिल गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीड, देखिए अब हम लोग इस टेस्ट से चलते हैं, ये टेस्ट सीरीज जो है पूरे आपके मगध पे है, देखिए 67 बीपीएससी पीटी मगध, इसमें पहला बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा जा रहा है, हम लोग इसको जो है तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हम लोग, तीनों बौद्ध संगति जो है, तीन बौद्ध संगति इसमें हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 98, है ना, 96, 97, 98 आपका टोटल बौद्ध संगति पे ये क्वेश्चन आपका मगध फाइनल टेस्ट सीरीज से आ चुका है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, कौन सा गुप्त शासक अपने बड़े भाई को मारकर गद्दी पे आया। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, टेस्ट 76 है, गुप्त एम्पायर, गुप्त वंश पे, समुद्रगुप्त है ये, गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक हुआ, राजरोहन के पूर्व, राजरोहन से पूर्व उसे अपने बड़े भाई कांच के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये आपका आंसर मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। आज ये टेस्ट 93 है, ये टेस्ट 93 है, देखिए ये टेस्ट 93 हम लोग देख रहे हैं, ये टेस्ट 93 बीपीएससी पीटी टेस्ट 93, पुष्यभूतिस ये राजवंश है, प्रभाकर वर्धन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। क्वेश्चन नंबर 21, द सरगासो सी, ये सरगासो सागर के बारे में पूछ रहा है कि कौन से महासागर में है ये। इसका आंसर देखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं टेस्ट, ये है आपका टेस्ट टू, फुल लेंथ टेस्ट टू है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला पार्ट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है, जितना भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी में है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, सब कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस है। तो फुल लेंथ टेस्ट टू में आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में है, हम लोग को सरगासो सागर का भी क्वेश्चन इसी टेस्ट में मिल जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन नंबर है 78। चलिए हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, वेयर इज सरगासो सी फाउंड, सरगासो सागर कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 एक ही टेस्ट का है, व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। हम लोग टेस्ट 49 पे चलेंगे अभी, टेस्ट 49 पे आपका रेडक्लिफ लाइन, ड्यूरैंड लाइन, मैकमोहन लाइन सबके बारे में विस्तृत जानकारी है। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान में इतना कम बारिश क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कुछ उसका रुकावट नहीं है कि वो जो मॉइस्चर लेडन विंड होता है, जो मॉइस्चर से जो आर्द्रता वाला जो वायु होता है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं, रुकेगा नहीं तो फिर वो पानी गिराएगा कैसे। तो सही आंसर है इसका सी, 23 का सही आंसर है सी। चलिए इस टेस्ट 49 को देख लें, ये है टेस्ट 49, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है आपका आपका मैकमोहन लाइन के बारे में बात की गई है, और आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये टेस्ट 61 में भी आपको राजस्थान के वायु जलवायु के बारे में और बारिश नहीं क्यों होता है उसके बारे में ये डिस्कशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रोजेक्ट टाइगर पे है और नेशनल बायोडायवर्सिटी की बात की गई है ना, तो नेशनल बायोडायवर्सिटी की जो बात है कि सबके लिए जिंदगी रहे, मैंने जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, जितने लोग, जितने प्रकार के लोग, जितने प्रकार के जाति, जितने प्रकार के जानवर, चाहे प्लांट हो, चाहे लिविंग हो, एनिमल्स हो, जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा जो है हमारे लिए ही, ह्यूमन बींग्स के लिए, पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कि प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षण हम लोग कैसे करें, ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आप टेस्ट 49 देखिएगा, तो टेस्ट 49 में देखिए द प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है, इसका आंसर दिया हुआ है इसमें, आप इसको देखिए साफ साफ आपको आंसर मिल जाएगा। ये टेस्ट 49 है और एक और टेस्ट है टेस्ट 852, 49 और 52 में ये देखिए फिर से ये आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, 1973 में, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है आपका जो है बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर से हमारे टेस्ट सीरीज करने से आपको आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53,
25 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस। करेवा जो है, करेवा खेती किसी के लिए, किसके लिए की जाती है? तो सैफरन के लिए की जाती है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये टेस्ट है आपका, टेस्ट 8 है, क्वेश्चन नंबर 108। करेवा मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें स्तनधारियों के जीवाश्म विद्यमान है, सही है। इनमें स्तनधारियों के पीट विद्यमान है, ये भी सही है। ये केसर की खेती, सैफरन की खेती के लिए जाने जाते हैं। आपको आंसर मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करेवा सॉइल? दे आर कैरेक्टराइज विद फॉसिल्स ऑफ मैमल्स, दे आर कैरेक्टराइज बाय पीट, दे आर नोन फॉर सैफरन कल्टिवेशन। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या में किस अनुसूचित जनजाति है? ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, आंसर आपका संथाल। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, और कितना प्रतिशत है? ये हम लोग जो है टेस्ट 34 क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इसको देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, विच रिवर इज नोन एज सौरो बिहार? बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये टेस्ट 15 है, टेस्ट 15 बिहार की नदियों पे ही है, करीब 250 क्वेश्चन था इसमें। इसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, निम्नलिखित में कोसी नदी नदी के लिए क्या क्या विशेषण दिया जाता है? फासका, बिहार का होंगो नदी, बिहार का शोक, सभी विकल्प सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, बिहार का हवांगो नदी भी बोला जाता है, फासका ये बोला जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपिथेट्स फॉर कोसी रिवर? फासका, बिहार वांगो रिवर एंड बिहार सोरो। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मैच कर गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? मीन बिहार के किस जिले में तेलहर जो है जल प्रपात स्थित है? और देखिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? ये आपका जो है कंवर झील है, बिहार का सबसे बड़ा और ताजा पानी का जो है गोखुर झील कहाँ पे है? ये दोनों क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है आगे आपको मिलेगा कि कौन से बिहार के कौन से शहर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ये हम लोग को सारा क्वेश्चन जो मिल जाएगा टेस्ट 66 पे मिलेगा। टेस्ट 66 जो है, ये क्वेश्चन आपका बिहार एंटरप्राइज सेक्टर पे था, है ना, बिहार के उद्योग क्षेत्र पे ये क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट पूरा बना है, देखिए ये देखिए इसके, ये दिख रहा है आपको, इसका हिंदी वर्जन भी है, नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी वो उद्योग जो कि कृषि पे आधारित ना हो। एक होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा होता है गैर कृषि आधारित उद्योग। तो हम लोग नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ भागलपुर में सिल्क, कॉटन, ये जो सिल्क का सारा चीज का उत्पादन होता है, भागलपुर को ही सिल्क सिटी बोला जाता है। खैर एनीवे, हम लोग क्वेश्चन है कि तेलहर कुंड वो जो वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, तो उसको आप देखिए। हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ये सेक्शन है लेक्स इन बिहार, है ना, बिहार में आपका लेक, तो यहीं पे आपका ये देख रहे हैं कंवर लेक के बारे में, इसमें आपको मिल जाएगा कंवर लेक। देखिए बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ा गोखुर झील है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, सेंट्रल एशिया से सर्दियों के समय यहाँ पे प्रवासी पंक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। खैर नहीं, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है तेलहर जलप्रपात या आपका वाटरफॉल। तो तेलहर कुंड है ना, तेलहर वाटरफॉल इज अ पॉपुलर वाटरफॉल दैट इज फाउंड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आपका आंसर मिल गया, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, नंबर 33, विच इज द एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक? सबसे बड़ा गोखुर झील क्या है? कंवर झील, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब देखिए विच क्वेश्चन नंबर 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? अब इसमें भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? सबसे ज्यादा जो सोना का जो भंडार है हम लोग को बिहार में कहाँ मिला है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये है आपका टेस्ट 21,
21 को आप यदि देखेंगे तो सेक्शन सी है बिहार मिनरल्स बिहार खनिज, क्वेश्चन नंबर 1 से 25। अब हम लोग सेक्शन सी चलते हैं, सेक्शन सी में हम लोग 1 से 25 देखते हैं। बाकी तो प्रदूषण पे है, क्वेश्चन सब पॉल्यूशन पे है जो है केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है। एनीवे इस पे क्वेश्चन आया नहीं तो ये टेस्ट के बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनरल्स इन बिहार, बिहार में खनिज, वो सेक्शन हम लोग निकालते हैं, ये सेक्शन सी में है। ये सेक्शन सी है, ये देखिए ये सेक्शन सी है आपका बिहार मिनरल्स बिहार खनिज, यदि दिखाई दे रहा होगा तो इसको देखिए, ये है सेक्शन सी बिहार मिनरल्स, ये बिहार मिनरल्स ये सेक्शन है आपका। ये बिहार मिनरल्स और इसी पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है ना। इसको देखिए आप, बिहार में किन जिलों में हमें सोना मिलता है, तो आंसर है आपका जमुई, तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, बिहार के किस जिला को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से टेस्ट 66 में। अब देखिए 36, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। ये देखिए इसमें हम लोग को समझाने की जरूरत है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला का साक्षरता दर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जब पढ़ाई चालू करें तो हमारा आधार होना चाहिए फाइनल क्वालिफिकेशन, तो पढ़ाई का जो पिलर होता है बेस होता है आधार होता है बहुत मजबूत होता है। पीटी और मेंस में अंतर यही है कि पीटी में क्वेश्चन दिया रहेगा डाटा दिया रहेगा, मेंस में आपको डाटा देना है। और यदि डाटा के आधार पे यदि एक क्वेश्चन यदि पीटी में पूछा जाए तो आपके पास इतना भंडार होना चाहिए डाटा का कि आप 100 आंसर कर सके डाटा पे। देखिए फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार पे कितना क्वेश्चन बनता है और कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं और इसके हिसाब से आप देखिएगा कैसे तुरंत आंसर आपको मिल जाता है। देखिए हम लोग टेस्ट 55 किए थे बिहार के मानव विकास पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, इसमें देखिएगा कितना तरह का क्वेश्चन मिलता है, कितना तरह का क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट किए हैं बनाए हैं और कितना आसानी से हम लोग आंसर कर लिए हैं। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन बिहार इन 2011, बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर प्रतिशत में क्या थी, एक क्वेश्चन ही हो गया। इसमें से 57 देखिए कि मेल लिटरेसी रेट पुरुष की साक्षरता दर क्या है, 58 देखिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया फीमेल लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार, सही आंसर है आपका जो है वो आपका 51.5 है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 58। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार इन 2011 इन परसेंटेज, 58 बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर प्रतिशत में क्या थी, ये देखिए। तो इस तरह से आप यदि डाटा का अच्छा से विश्लेषण करेंगे हर एक चीज करेंगे तो आप मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो भीड़ के एक से पात्र हो जाएंगे आपके सामने है कि सही ढंग से पढ़ने से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है, आपका आधार भी मजबूत हो जाता है और मेंस के लिए तैयारी का एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक आपके बॉडी में फील हो जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, जो आपका सौर प्रणाली है उसमें सबसे प्रमुख कौन सा खगोलीय पिंड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, सौर मंडल का अधिकांश, उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता है, सौर मंडल का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है, ऑब्वियसली सूर्य है क्योंकि सूर्य के चारों तरफ सारे खगोलीय पिंड यदि सौर प्रणाली में है तो सौर प्रणाली के सारे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन है देखिए, है ना, ये भी आपका क्वेश्चन है।
कौन सा प्रणाली सौर मंडल को बांधता है, गुरुत्वाकर्षण बांधता है, चारों तरफ उसके खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और सौर ही आपका प्रमुख जो है खगोलीय पिंड है सौर प्रणाली में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी वर्जन में क्वेश्चन चेंज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, है ना, जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा खनिज पदार्थ होता है, कौन सा तत्व है। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा सिलिका एंड मैग्नीशियम, तब आंसर होगा आपका। इसको क्वेश्चन को पहले हम लोग टेस्ट सीरीज से मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा टेस्ट सीरीज 3 का, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सिलिका एंड एलुमिना, सॉरी सिलिका एंड एलुमिना जिसको हम लोग सियाल कहते हैं। पृथ्वी की पपर्टी या भूपर्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका एल्यूमिनिया है, सियाल कहते हैं, और जो आपका महासागरीय जो पॉपर्टी है ना, जो ओशियानिक क्रस्ट है उसका है सीमा सिलिका और मैग्नीशिया। तो इसके इस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एलिमेंट्स आर एबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, इसका सही आंसर है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनिया, सियाल। लेकिन हिंदी में देखिए, हिंदी में आप इसको देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, नीफे 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 में हो जाएगा आपका निकेल और फेरम, तो हिंदी में ऑप्शन यह अलग हो जाता है। तो 142 का बी ऑप्शन निकल और फेरम है, लेकिन इंग्लिश में यही चीज आपका सिलिका और एल्यूमिनियम होगा। ये थोड़ा सा अलग अलग है, इस बात को देखिएगा, क्वेश्चन मैच हम लोग करा लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कि कितने सत्र होते हैं लोकसभा में, लोकसभा पे हम लोग का 300 क्वेश्चन का अलग एक ये है, आगे और भी लोकसभा में क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि जो डेलिमिटेशन कमीशन होती है, माने जो परिसीमन समिति होती है, उसको जो है लोकसभा केस में किस वर्ष तक रोका गया, तो इसका आंसर जानने के लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो हमारा टेस्ट 12 में था, और इसमें यह था कि विच सेंसस हैज टू बी टेकन फॉर, एक है कि 2022 में यदि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो कौन सा जनगणना इस्तेमाल करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 2027 में, तो 2027 में फिर से फ्रेश होगा 2026 के लिए, तो 2026 में डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो फिर से निर्धारित करेगी लोकसभा सीट, परिसीमन समिति जो है 2026 से पहले कोई काम नहीं करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 123 में आपका दिया हुआ है टेस्ट 12 में, और इसी के आधार पे आप ये क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, सुप्रीम कोर्ट, देखिए फंडामेंटल राइट में आगे हम लोग टेस्ट सीरीज में है, इसको निकाल के हम लोग दिखाएंगे तुरंत ही। द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार है इसका सही संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ही है। और यदि विश्लेषण की बात है, संविधान का अंतिम विश्लेषण का पावर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ओनली हैज द पावर टू एनालाइज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली इफ इट इज एम्बिगुअस, जब शब्द बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, तो अल्टिम जो उसके विश्लेषण का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ये फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे हम लोग अभी, कि बहुत सारा केस हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, बहुत सारा केस हुआ था, अभी टेस्ट पेपर निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सब हम दिखा देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारा केस हुआ है, इस पे विश्लेषण हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग तो एक तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर्स, व्हाट, क्या होता है कि जो आपके यहाँ जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, या आपका जिला परिषद है, जो भी स्थानीय निकाय है, उसको फंड चाहिए, वित्तीय पोषण चाहिए, तो उसको एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट भी वो वित्तीय पोषण करती है, कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, कहाँ से उसका पैसा आएगा, इसी पे क्वेश्चन नंबर 47 है, और इसका आंसर करने के लिए
ये क्वेश्चन नंबर 103 पे चाहिए कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रांट्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। जो भी पंचायती राज की जो संस्था है बिहार राज्य सरकार में, उसको जो है पैसा वित्त पोषण कहाँ से मिलता है? तो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये मिलता है। यही क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायत को वित्तीय व्यवस्था के लिए, वित्त पोषण के लिए क्या करना पड़ता है? तो फाइनेंस कमीशन स्टेट जो है वित्त आयोग बिठाती है। क्वेश्चन नंबर 47 वही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि सारे जो लोग होते हैं समाज के एक साथ मिलते हैं। सरकार का परियोजना होता है, जैसे कि आपका सिंचाई का परियोजना है, तो नाले में पानी कैसे जाएगा, किसके खेत में कितना जाएगा, तो ये सरकार के तरफ से आएगा तो हो सकता है मनमुटाव हो जाए। तो क्या करते हैं गांव वाले, खुद जो है इसको अपना एक तरह से ओनर मान के, स्वामी स्वामित्व के आधार पर इसको लगता है, उनको ऐसा फील कराया जाता है कि दे आर दी ओनर्स, दे आर द मालिक ऑफ जो सिस्टम है सिंचाई का, इरिगेशन का, और बैठ के आराम से वो लोग सरकारी परियोजना का लाभ उठाते हैं और उसका देख रख रखाव, मरम्मत, मेंटेनेंस, एवरीथिंग जो है आपके सामूहिक रूप से संस्था के आधार पे समाज के लोगों के मिलके साथ होता है। तो उसी को कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट या कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो 48 क्वेश्चन ये है। तो बिल्ड ह्यूमन कैपिटल जरूरी है। हाँ, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग करते हैं, सिंचाई मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा, तो ये है। तो इसी पे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन इस पे, देखिए ये टेस्ट 7 है। टेस्ट 7 में सेक्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 2 टेस्ट मिला के टेस्ट हुआ था, करीब 150 क्वेश्चन था इसमें। आपका आगे का दो जो दोनों जो है ये टेस्ट 7 और टेस्ट 6 और टेस्ट 8 वो है कवर कर देता है। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं कमांड एरिया पे या कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग को आंसर मिलने की उम्मीद है कि क्या हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट डिस्कस किए हैं कि नहीं, है ना। ये देखिए, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इन इंडिया, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह आपका जो है 49-50, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, जितना मर्जी उतना तक वो लड़ते थे, कोई सीमा नहीं है। ये सारा जो है हम लोग टेस्ट 6 से टेस्ट 7, टेस्ट 8 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेने से पहले बार बार हम बच्चों को बताते हैं कि आपका आधार ज्ञान होना चाहिए। जितना ज्ञान अर्जित करें, आप पास करने के चक्कर में रहेंगे, कम टाइम में ज्यादा आप जो अर्जित करने का सोचेंगे यू विल फेल। गाइड, वन लाइनर, आई हेट इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोई स्टूडेंट यदि गाइड पढ़ रहा है या वन लाइनर के तरफ पढ़ रहा है, अजीब सा फीलिंग होता है कि ये लड़का अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है क्योंकि आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं। आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर ले कि क्वेश्चन यदि एक रूप में हो तो आप 10 रूप में आंसर करने को तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन चलने से पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं, उनका भाषण होता है, स्पीच होता है, न्यूज़पेपर कवर करते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्स से पढ़ने से कितना फायदा मिलता है हम लोग को। हम लोग मेंस के लिए भी वो सब पॉइंट डाटा इकट्ठा करते हैं कि ताकि आगे हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया बजट। मतलब जब बजट पेश किया जा रहा था तो भारत सरकार के प्रायोरिटी में कौन सा पॉइंट नहीं था,
सबसे अच्छा तरीका है कि कौन कौन सा प्रायोरिटी एरिया है भारत सरकार का देख लें। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है टेस्ट हम लोग 103, टेस्ट 103 हम लोग देखते हैं, 102। ये टेस्ट 102 है ना। और इसमें ये देखिए, ये पॉइंट है जो चार प्रायोरिटी एरिया है, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यदि ये चार आप पढ़े होंगे, ये टेस्ट 102 में हम लोग कराए हैं, हम लोग उसको अच्छी तरह से वर्कआउट किए हैं, तब आप देखिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और इसका सही आंसर है सी, डिस इन्वेस्टमेंट। ये जो टेस्ट है 102 आप लोग को हिंदी में मिला है, हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। हिंदी वर्जन में भी वही जो है वित्त मंत्री का जो है प्रायोरिटी एरिया वो रेखांकित की हैं कि कौन से एरिया में हम लोगों को काम करना है, किस एरिया में फोकस करना है ना। अगले 25 साल भारत एट द रेट ऑफ 100 कि अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में चार प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। ये देखिए पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन, सनराइज अवसर, निवेश की वित्तीय मदद। और यही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वाज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन इंडिया। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको डिराइव करना है कि टैक्स कितना है, जीडीपी कितना है, उसका रेशियो निकालना। और बहुत मुश्किल बात नहीं है। यदि हम लोग टेस्ट 71 देखते हैं और टेस्ट 50 देखते हैं, टेस्ट 104 देखते हैं, सब में आपका ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, हम लोग अभी तुरंत देख लेते हैं। देखिए ये टेस्ट 71 है, इसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में बताया गया है। तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे तो हमारा जो है चीजें आसान हो जाएगी, वी विल बी एबल टू क्वालिफाई। चलिए अगला को टेस्ट 55, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, भारत का विश्व के व्यापार में क्या शेयर है। ये देखिए डाटा, आपका पूरा डाटा दिया हुआ है और डाटा से आराम से आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट 56, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स इन द ईयर 2021। मतलब कुल जो है गेहूं का उत्पादन। टेस्ट 50 चले जाइए, ये देखिए आपका हिंदी में डाटा के साथ दिया हुआ है, आंसर मैच कर दीजिए, खत्म कीजिए कहानी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 57, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जीवांत ग्राम कार्यक्रम कहाँ के लिए, भाई बिहार के लिए है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो है, एक तो बॉर्डर रोड डिवाइड बनाना है, फिर उत्तर दक्षिण को जोड़ना है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को, फिर जो भी सुदूर गांव है ताकि आर्मी का जो है आपका सामान का आवाजाही सब ठीक ठाक हो जाए, रोड को डेवलप करना है, बिहार के जो गांव है इंटीरियर है उसको मेन मार्केट से जोड़ना है। तो इसके लिए जो है बिहार में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ही ये प्रोजेक्ट चला। तो सही आंसर है सी, बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, बॉर्डर विलेज में भी करना है और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसमें देखिए क्वेश्चन टेस्ट 42 पे आ जाइए, भारत माला परियोजना के तहत पटना में बन रहे रिंग रोड की लंबाई कितनी है। भारत माला परियोजना के तहत बिहार में बन रहे सीमावर्ती पथ या बॉर्डर रोड की लंबाई कितनी है। भारत माला परियोजना के तहत बिहार में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पथ की लंबाई कितनी है। भारत माला परियोजना के तहत बिहार में पिछड़े जिलों और धार्मिक और पर्यटन केंद्रों को जोड़ने के लिए बिहार में कितने किलोमीटर सड़क की लंबाई का निर्माण किया जा रहा है। तो बहुत ही ये क्लियर कट है, यदि आप इस प्रोग्राम को जानते हैं तो सही आंसर सी और डी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58, इसमें देखिए बिहार के सेकेंडरी सेक्टर में क्या ग्रोथ है, टर्शियरी सेक्टर में क्या ग्रोथ है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या वृद्धि है,
है ना, अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसका ग्रोथ रेट जो है इसी पे क्वेश्चन है, और सही ढंग से यदि आप पढ़ते हैं, सही तरीके से डाटा को एनालाइज करते हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का कितना क्वेश्चन हम लोग इसी पे बना चुके हैं, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट, टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ रेट, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 58 तो यही ना पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो है 21-22 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ग्रोथ रेट क्या है, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ रेट क्या है, सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट है। तो हमारी तैयारी होती ना जी, क्वेश्चन को जितना भी घुमाए उसको हम लोग आंसर कर सके। अब देखिए हम लोग चलते हैं टेस्ट 32 पे। टेस्ट 32 को देखिएगा तो आप देखिए, पिछले दशक में बिहार के लिए प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, पिछले दशक में बिहार के लिए द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, पिछले दशक में बिहार के लिए तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार में सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीय